गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीतिकालीन कवि आचार्य देव के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कवि देव के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम कवि देव के रचना संसार को लेकर, उनके काव्य संसार को लेकर बात करते हैं। तो बिना किसी विशेष औपचारिकता के अपने शुरुआत करते हैं कवि देव का रचना संसार। जैसा आप जानते हैं, रीतिकालीन काव्य धारा में कवि देव का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी गणना रीतिबद्ध आचार्य कवि के रूप में की जाती है। इनका पूरा नाम देवदत्त था, परंतु इन्होंने अपनी रचनाओं में, जो इन्होंने अधिकतर कविता और सवैयों के रूप में लिखी हैं, उनमें अपना नाम देव ही रखा है, अर्थात देव नाम का ही प्रयोग किया है। कवि देव की रचनाओं को लेकर विद्वान एकमत नहीं है, और ऐसा जो मत वैभिन्न है वो न केवल कवि देव के बारे में अपितु जो दूसरे कवि हैं, जो रचनाकार हैं, उनके बारे में भी नहीं है। वह मत वैभिन्न चलता है। इसका कारण यह है कि इन रचनाकारों ने, इन कवियों ने अपने बारे में बहुत कुछ विवरण नहीं दिया है। हमें जो भी कुछ जानकारी मिलती है वह इधर उधर से, या जो समकालीन जो कवि हैं उनके द्वारा अगर कुछ काव्य में लिखा गया है तो उनसे ही हमें जानकारी मिलती है। इसलिए कवि देव की रचनाओं को लेकर, यहाँ तक कि इनके जन्म को लेकर, इनकी मृत्यु को लेकर भी विद्वान एकमत नहीं हैं। तो कवि देव की रचनाओं को लेकर के भी विद्वानों में एकमत नहीं है। कुछ विद्वान उनकी रचनाओं की संख्या 52 मानते हैं, कुछ 72 मानते हैं, और यहाँ तक कि कुछ विद्वानों ने तो इनकी रचनाओं की संख्या 92 तक स्वीकार की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उन्होंने इनकी प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 25 मानी है। कितने मानी है? 25 मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य देव की 16 रचनाएं अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं, और आचार्य कवि देव जो हैं वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है, और यह इस बात से प्रमाणित होता है कि आचार्य कवि देव ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भाव विलास। यानी इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में भाव विलास नामक ग्रंथ की रचना की, जो इनका पहला ग्रंथ था, और इन्होंने उस ग्रंथ में लिखा भी है, शुभ 1746 चढ़त सोर ही वर्ष कढ़ी देवमुख देवता भाव विलास सहर्ष। इस पद के अनुसार कुछ विद्वान भाव विलास ग्रंथ की रचना 15 से 16 वर्ष की उम्र के बीच मानते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है चढ़त सोर ही वर्ष, परंतु अधिकतर विद्वान इसकी रचना 16 वर्ष की उम्र में मानते हैं। तो इस प्रकार से देव अपना पहला ग्रंथ रचते हैं सम्मत 1746 में। जब ये 16 वर्ष के होते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि देव का जन्म हुआ था सम्मत 1730। देव ने अपने प्रथम रचना भाव विलास और द्वितीय रचना अष्टयाम, यानी प्रथम रचना कौन सी थी इनकी? भाव विलास और द्वितीय रचना है इनकी अष्टयाम। ये दोनों रचनाएं औरंगजेब के जो तीसरे पुत्र हैं आजम शाह, उनको भेंट करते हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि आजम शाह ने इनका बहुत अधिक मान सम्मान किया, और उनको मान सम्मान देने के साथ ही उनकी रचना को भी इन्होंने सराहा। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कवि देव ने
उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की है और उन्होंने इस बात का प्रसंग अपनी रचना में भी दिया है। वे लिखते हैं, दिल्लीपति अवरंग के आजम शाही सपूत, सुनो सराहो ग्रंथ ही है अष्टयाम संजूत। यानी उन्होंने अष्टयाम को सराहा, उन्होंने दिल्लीपति जो औरंगजेब के जो पुत्र हैं, जो आजम शाह हैं, उनके बारे में यह पद कवि देव ने लिखा है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि कवि देव अपनी प्रथम रचना जो लिखते हैं वो लिखते हैं 16 वर्ष की उम्र में, और उनकी प्रथम रचना है भाव विनाश। अब हम चर्चा करते हैं कवि देव के अन्य ग्रंथों की। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनके ग्रंथों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इनका जो ग्रंथ है वह है भाव विलास, और इसमें कुल 5 विलास हैं। यानी यह ग्रंथ 5 विलासों में विभक्त है, जिनमें प्रत्येक विलास में, जिनमें द्वितीय विलास में छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है। यानी कवि देव ने छल नामक एक 34वां संचारी भाव भी माना है, और वह है छल। और पंचम विलास में 39 अलंकारों का वर्णन किया है। यानी भाव विलास इनका पहला ग्रंथ है, इसमें 5 विलास हैं, और पांच विलास हैं इसमें। इनमें द्वितीय विलास में छल नामक 34वां संचारी भाव इन्होंने माना है, और पंचम विलास में इन्होंने 39 अलंकारों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। इनकी द्वितीय रचना जो है वह है अष्टयाम। इसमें नायक नायिका के दाम्पत्य जीवन संबंधी विविध विलासों का निरूपण किया गया है। अष्टयाम वैसे हिंदी का एक निजी काव्य रूप है, जिसमें रचनाकार जो या तो फिर भगवान हैं उनका, या फिर नायक नायिका के दैनंदिनी कार्यों का चित्रण करता है। तो इसमें भी अपने जो आचार्य कवि देव हैं, इन्होंने नायक नायिका के दाम्पत्य जीवन का जो दैनंदिनी है, उनकी जो दिनचर्या है उनका, वो विविध विलासों में निरूपण किया है। और अगली इनकी रचना है भवानी विलास। इस ग्रंथ में इन्होंने नायक नायिकाओं के जाति भेद के आधार पर 8 विलासों में वर्णन किया है। इस ग्रंथ की रचना राजा भवानी दत्त के लिए हुई है, जिनके आश्रय में अपने आचार्य कवि देव रहे हैं। तो भवानी दत्त को लेकर के इन्होंने यह रचना लिखी है, अर्थात उनके नाम पर इस रचना का नामकरण उन्होंने किया है। अगली रचना है शिवाष्टक। इसमें शिवाजी की स्तुति में 8 कविता लिखे हैं। इसकी रचना सम्मत 1755 में की गई। अगली पुस्तक है इनकी प्रेम तरंग। इसमें 3 तरंगों में मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा नायिका के अंग भेद का के आधार पर वर्णन किया गया है। अर्थात इस प्रेम तरंग नामक ग्रंथ में कवि ने जो मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा नायिका हैं, उनके अंग भेद का चित्रण इसमें किया है। अगली रचना आती है कि कुशल विलास। इसमें कवि देव ने 9 रसों के अंतर्गत नायिका भेद और रस का वर्णन किया है। कहा जाता है कि अपने आश्रयदाता कुशल सिंह के यहाँ इसकी रचना की, इसलिए इसका नाम कुशल विलास रखा है। यह हम जानते हैं कि जो आचार्य देव हैं और वे विविध अलग अलग आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहे हैं। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, भले उनके निजी कारण रहे हों, भले धन प्राप्ति का कारण रहा हो, भले उनका स्वाभिमानी व्यक्तित्व रहा हो, भले उनकी स्पष्टवादिता रही हो, कारण कुछ भी रहा हो, परंतु ये सर्वविदित सत्य है कि अपने आचार्य जो कवि देव हैं उनके आश्रयदाता अनेक रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग आश्रयदाताओं के यहाँ पर आश्रय स्वीकार किया है। उसमें से कुछ राजा हैं तो कुछ धनी व्यक्ति भी कहे जाते हैं। तो ये जो रचना है कुशल विलास, ये कुशल सिंह के नामकरण पर इन्होंने लिखा इसको। और अगली जो रचना है वह है जाति विलास। जाति विलास में कवि देव ने जाति और वर्ण व्यवस्था, निवास स्थान
और देशकाल प्रवेश के क्रम में नायिका भेद का वर्णन किया है। यह वर्णन उनके देशव्यापी अनुभव को प्रस्तुत करता है। यानी जैसा कुछ देर पहले मैंने बताया कि कवि देव जो हैं वो अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने एक स्थान पर न रहने के कारण अलग अलग जगहों के अनुभव लिए हैं। वे अनुभवी हैं अलग अलग प्रदेशों में रहने के, तो उन्होंने इस ग्रंथ में जाति अथवा वर्ण व्यवस्था, निवास स्थान, देशकाल और परिवेश के क्रम में नायिका भेद का वर्णन किया है। यह वर्णन उनके देशव्यापी अनुभव को प्रस्तुत करता है। और अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह है इनका रसविलास। रसविलास इस ग्रंथ में सात विलासों में नायिका भेद का चित्रण किया है। रसविलास नामक ग्रंथ में सभी रसों का वर्णन हुआ है। इसमें देव के आचार्यत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा हो पाई है, अर्थात यह ग्रंथ आचार्य देव को यानी कवि देव को आचार्यत्व का पद प्रदान करता है। यानी इसकी जो रचना सौष्ठव है, जो काव्य विशिष्टताएं हैं, जो इसका ग्रंथ का जो रचना स्वरूप है, उसके आधार पर देव की आचार्यत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा इस ग्रंथ के माध्यम से हो पाई है। इस रचना में इन्होंने अपने आश्रयदाता भोगीलाल की बहुत प्रशंसा की, जो संभवतः कोई धनी व्यक्ति था। जैसा मैंने कहा कि कवि देव अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे हैं, जिनमें कुछ राजा हैं तो कुछ धनी व्यक्ति भी हैं, तो यहाँ पर भोगीलाल जी के यहाँ पर रहते हैं वो, और इस ग्रंथ में ये भोगीलाल की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। तो इसे ऐसा लगता है कि संभवतः है जो भोगीलाल हैं वे कोई धनी व्यक्ति थे। रसविलास में महाकवि ने यानी इस ग्रंथ में इस कवि ने कवि देव ने इनके लिए भूप शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया है। अगली रचना है प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका में चार अध्यायों में प्रेम रस का सांगोपांग वर्णन किया गया है, यानी प्रेम रस का अंगों सहित वर्णन किया गया है। इन्होंने प्रेम के सात्विक रूप को महत्व दिया है। अगली रचना है सुजान विनोद। इसमें ऋतुओं के आधार पर नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इसका नाम रामानंद लहरी भी दिया गया है, रसानंद लहरी भी दिया गया है, यानी अनेक विद्वान इसको रसानंद लहरी भी कहते हैं। और अगली रचना है राग रत्नाकर। जैसा हमने कहा कि कवि देव बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उन्होंने 16 वर्ष की आयु में तो भाविलास की रचना की ही, परंतु वे राग के भी अच्छे जानकार हैं, संगीत के भी अच्छे जानकार रहे हैं। तो उन्होंने राग रत्नाकर नामक ग्रंथ में रागों का सजीव चित्रण किया है और इसके दो अध्याय हैं, यानी दो अध्यायों में इस ग्रंथ में राग रत्नाकर ग्रंथ में कवि ने रागों का बहुत अच्छा चित्रण किया है। अगली रचना शब्द रसायन। देखिए शब्द रसायन जो ग्रंथ है वह कवि का प्रौढ़ ग्रंथ है। इसमें 11 प्रकाशों में काव्य के महत्व, स्वरूप, पदार्थ निर्णय, 10 रीति, 4 वृत्ति, अलंकार, पिंगल आदि का सांगोपांग विवेचन किया है। इसी के साथ शब्द शक्तियों का विस्तृत चित्रण भी इस ग्रंथ की अपनी विशेषता है। और इस ग्रंथ में इन्होंने 40 तो प्रमुख और 30 गौण अलंकारों का विवेचन भी किया है। और अगला जो ग्रंथ आता है इनका वह देवचरित्र। यह एक प्रकार से खंड काव्य है जिसमें कवि ने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर ब्रज लीलाओं तक का चित्रण किया है। इसी प्रकार से जो अगला ग्रंथ इनका है वह है देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच एक दार्शनिक नाटक है जिसमें 6 अंक हैं। जीवन के सूक्ष्म तत्वों का विवेचन इस ग्रंथ में कवि ने किया है। अगली रचना की जब बात करते हैं तो नाम आता है देव शतक का। इसमें 4 पच्चीसियों का संकलन है, जो जग दर्शन पच्चीसी, आत्मदर्शन पच्चीसी, तत्वदर्शी पच्चीसी
और प्रेम पच्चीसी के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी देव शतक में चार पच्चीसियों का संकलन किया गया है, जिनके नाम मैंने अभी आपको बतलाए हैं। और अगली और अंतिम रचना है इनकी सुख सागर तरंग। इस सुख सागर तरंग में कुल 12 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। यह ग्रंथ देव ने पिहानी के अधिपति अकबर अली खान, यानी जो अंतिम आश्रयदाता थे इनके, जिनके यहाँ पर ये 94 वर्ष की उम्र में जाते हैं, सुख सागर तरंग उनको भेंट करते हैं। और सुख सागर तरंग इनके जो अन्य ग्रंथ हैं उन सब का एक तरह से सार ग्रंथ है, यानी यह एक संकृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लेकर के वे पिहानी के अधिपति अकबर अली खां के पास जाते हैं और उनको यह ग्रंथ समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये देव के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं जो प्रकाशित ग्रंथ माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं देव के कुछ काव्य विशेषताओं की। तो इनमें से इन्होंने रसों की संख्या 9 स्वीकार की है। श्रृंगार रस को सर्वोपरि महत्व दिया है। मूल रसों की संख्या इन्होंने 4 मानी है, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने 9 रसों की संख्या जो स्वीकार की है वह 9 रसों की संख्या स्वीकार की है। परंतु इन्होंने ये भी माना है कि जो मूल रस हैं वो केवल 4 हैं। और कौन कौन से हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। शब्द रसायन में इन्होंने श्रृंगार रस से हास्य, यानी जो इनका ग्रंथ है शब्द रसायन, उसमें इन्होंने श्रृंगार रस से तो हास्य की उत्पत्ति मानी है, रौद्र से करुण की, वीर से अद्भुत की और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी है। और उन्होंने लिखा भी है, ये पद उनका अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाने वाला है। होत हास श्रृंगार ते करुण रौद्र ते जान, वीर जनित अद्भुत कहो विभत्स से भयान। होत हास हास श्रृंगार ते। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उन्होंने मूल रसों की संख्या 4 मानी है और अन्य रसों की उत्पत्ति इसी प्रकार से उन्होंने स्वीकार की है, श्रृंगार रस से हास्य की, करुण से रौद्र की, वीर से अद्भुत की, विभत्स से भयानक की। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनका वह यह है कि इन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है और इन्होंने गतागत पति का नामक एक नवीन नायिका की भी कल्पना की। यानी छल को 34वां संचारी भाव इन्होंने माना है और गतागत पति का नामक नवीन नायिका की इन्होंने कल्पना की है। इन्होंने अलंकारों की संख्या 39 मानी है, जो प्रमुख अलंकार हैं उनकी संख्या इन्होंने 39 मानी है। और इन्होंने लिखा भी है, अलंकार मुख्य 39 हैं, देव कहें वे ही पुराणन मुनि मतीन में पाई। यानी मुख्य जो अलंकार हैं उनकी संख्या देव के अनुसार 39 है। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि देव ने उपमा अलंकार को सर्वोपरि माना है। और जब हमने अलंकारों का विवेचन किया था तब भी हमने ये बात की थी, तब भी हमने आपके साथ चर्चा की थी कि उपमा अलंकार जो है वह महत्वपूर्ण अलंकार है, इसे बहुत से अलंकारों का मूल माना जाता है। और इन्होंने एक बात और कही कि शब्दालंकार बोझिल काव्य को उन्होंने मृतक काव्य की संज्ञा दी है। यानी केवल शब्दालंकार से जो बोझिल हो, यानी अति से शब्दालंकारों का इन्होंने समर्थन नहीं किया है, उन्होंने अति से शब्दालंकारों से बोझिल काव्य को मृतक काव्य की संज्ञा देते हुए शब्द रसायन में कहा है, मृतक काव्य बिनो अर्थ के कठिन अर्थ के प्रेत। यानी मृतक काव्य बिनो अर्थ के कठिन अर्थ के प्रेत। इस प्रकार देव के काव्य का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि देव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आचार्य देव की गणना रीतिबद्ध आचार्य कवि के रूप में की जाती है। रीतिबद्ध काव्य धारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां रही, रीति की विवेचना और श्रृंगार निरूपण।
यानी रीति काव्य धारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, एक तो थी रीति विवेचन और दूसरी थी श्रृंगार निरूपण। तो कविवर देव का जहां तक सवाल है, तो इन्होंने केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि की तरह इन्होंने लक्षण और रीति ग्रंथों की रचना की। उन्होंने मम्मट के अनुकरण पर अलंकार शास्त्र लिखा और उसमें अलंकारों के लक्षण, भेद और उदाहरण प्रस्तुत किए। साथ ही इन्होंने आचार्यत्व की परंपरा में रसों का विवेचन किया है। कवि देव ने श्रृंगार रस और नायिका भेद पर ही अपनी दृष्टि रखी हो, ऐसी बात नहीं है। कवि देव ने श्रृंगार रस और नायिका भेद के साथ ही इन्होंने शास्त्र, नीति, भेद, वैराग्य और संगीत शास्त्र पर भी अपनी लेखनी चलाई है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि कवि देव जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने न केवल लक्षण ग्रंथ लिखे अपितु संगीत शास्त्र और प्रेम रस के लिए भी उन्होंने चित्रण किया है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस व्याख्यान को बहुत अच्छे से सुना होगा और आपको निश्चित रूप से लाभ मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब हम और देव के बारे में और चर्चा करेंगे, उनके काव्य के बारे में और विवेचन करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।